सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। अजमेर शहर को अधिक से अधिक कंपनियों की आवश्यकता है, उसके कारण युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को इधर उधर रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जो SI लोग गरीब लोग हैं उनको उनके जो अस्तव्यवस्था कोरोना के कारण जो अस्तव्यवस्था फैली हुई है उनको रोजगार मिलने नहीं मिल रहा है समय पे, उनको रोजगार की पूर्ति होगी। वैसे ही पर्यटन की दृष्टि से अजमेर में आए दिन ऐसे पुष्कर हुआ या दरगाह शरीफ जो भी है पर्यटन स्थल पूर्णतः स्थापित है, इसलिए 7 उद्योगों की जरूरत अजमेर शहर को नहीं है, रोजगार की जरूरत है। अगर कंपनियां बनती है तो किस तरह का रोजगार मिलेगा? अगर कंपनियां अगर स्थापित होती है अजमेर शहर में तो युवाओं को हर तरह का रोजगार मिलेगा, चाहे मजदूरी के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़े के आधार पर उनको किसी स्कॉलरशिप के आधार पर कोई बड़ी कंपनियां स्थापित होती है तो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी अदर तरह के डिप्लोमा वाले धारक जो भी विद्यार्थी है उनको भी इस चीज़ में सहायता मिलेगी। अनिरुद्ध सिंह जोधा। देखिए अजमेर को सौभाग्य है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला और उसके अंतर्गत अगर कोई 7 अजूबे वैशाली नगर में बनाए जा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं स्मार्ट सिटी के जितने भी लोग हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि अजमेर शहर में करीबन 22 उद्यान हैं, उन 22 उद्यानों की सूद ली जाए, उन पर काम किया जाए और उनके साथ साथ में जितने अजमेर के सर्किल है उनका जीर्णोद्धार हो, तब कहीं स्मार्टनेस नज़र आएगी। और स्मार्ट सिटी के साथ अगर ये अजूबे बनते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। अजमेर शहर का सौभाग्य है कि 7 अजूबे यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो उद्यान बने हुए हैं, कॉलोनियों में उद्यान बने हैं, उनका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जो भी काम करना पड़े उसके लिए सर्किलों का जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है। भोपाल बंजारा। देखिए ऐसा है कि अजमेर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कंपनियाँ स्थापित होनी चाहिए। इतने साल से हमारे जो पार्षद विधायक हैं एक ही 20 साल से लगभग एक ही विधायक चले आ रहे हैं और उसके बावजूद हमारे यहाँ पे अगर IT कंपनीज आती हैं या किसी भी तरह की कोई भी फील्ड की कंपनीज आती हैं तो उससे रोजगार में बढ़ावा मिलता है। एक तरह से विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, जब तक व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा और सेक्टर्स जितने भी हैं वो डेवलप नहीं होंगे। तो सारा कंबाइंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि रोजगार के साधन यहाँ पे उपलब्ध हों, इसलिए कंपनियाँ आना अति महत्वपूर्ण है। कल्पित हरित। सर अजमेर स्मार्ट सिटी बन रहा है लेकिन यहाँ के जो युवा है उनको स्मार्ट होने की आवश्यकता है और वो स्मार्ट जब भी होंगे जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो मैं सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो रोजगार को अवसर बढ़ाने के लिए ऐसी IT कंपनियाँ यहाँ पे आए। पहले सचिन पायलट साहब यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्री थी तो भी दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ पे एक IT कंपनी नहीं आई। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो भी IT कंपनी नहीं आई। सरकार को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई ऐसे काम करे जिससे IT के अवसर बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, ताकि यहाँ के युवाओं को यहाँ के यहीं रोजगार मिल सके। रचित कछाव। 7 वंडर बनना चाहिए। 7 वंडर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अजमेर एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल के साथ साथ नई कंपनियां भी अजमेर आएगी, जैसे जैसे कंपनी आएगी उस हिसाब से लोगों में रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार के साथ साथ पर्यटक का बहुत अच्छा विकास होगा अजमेर में। क्या मानते हैं कि कंपनियां ज़्यादा जरूरी है? कंपनियां अजमेर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनियां आएगी तो जो युवा हैं उनमें रोजगार बढ़ेगा। किस तरह से रोजगार मिलेगा? जैसे पर्यटक स्थल में कंपनियां अलग अलग टेंडर लेती हैं, टेंडर के साथ साथ टिकट सिस्टम वगैरह जैसे होते हैं तो टिकट सिस्टम के साथ साथ पर्यटक के साथ साथ टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह का भी अजमेर में स्कोप रहता है। प्लस जो 7 वंडर है उसके बारे में लोगों ने कभी देखा और सुना भी नहीं है तो ये अजमेर में बहुत अच्छी चीज़ होगी। प्लस अजमेर का इससे इतिहास भी गौरव में होगा। सुनील लालवानी। जय भारत। मेरा यही निवेदन है आला सरकार से कि अजमेर क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर क्या युवाओं का शोषण होता है। एक जो गवर्नमेंट ने जो एजेंडा बना रखा कि बेसिक सैलरी इतनी होनी चाहिए योग्यता के आधार पर, तो वो औद्योगिक क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उन पर पर्टिकुलर जांच नहीं हो पा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कहीं बार राजस्थान में और अजमेर में बड़ी बड़ी कंपनियां आना चाहती है लेकिन राज्य सरकार के किसी कारणवश वो कंपनियां गुजरात या दिल्ली या कहीं और चली जाती है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि अजमेर एक डेवलप शहर है और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र जो छोटे रूप में बड़ा हो रहा है लेकिन बड़ी कंपनियां नहीं आ पा रही, जिससे युवाओं के चाहे IT बेस पे, चाहे पॉलिटेक्निक बेस पे हो या किसी भी योग्यता की बेस पे हो, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो इन क्षेत्र में IT से क्षेत्र में सरकार को, आला सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और हम सभी युवा मिलकर इन सभी चीज़ों की मांग कर रहे हैं
और हमें आशा ये है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। प्रदीप कुमार, धन्यवाद।